हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भैया, कुछ दिन पहले अभी भाई की गाड़ी आर्टिका गाड़ी चोरी हो गई थी, लूट हो गई थी भाई के साथ। तो क्या सिचुएशन थी, क्या थी, किस तरीके से लूट हुई? तो आज भाई की गाड़ी मिल गई है, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है। तो भाई बताएंगे क्या हुआ था इनके साथ, क्या नहीं। मैंने अटल चौक से बुकिंग उठाई थी पर्सनल में, वसुंधरा सेक्टर 15 से। ठीक है, तो फिर सवारी के लिए नोएडा जाना है, दो जगह जाना है। पहले सेक्टर 64 चलेंगे, उसके बाद हरोला सेक्टर 5 चलेंगे, उसके बाद वापसी फिर वसुंधरा ही आना है। अच्छा, क्या सवारी थी? एक ही सवारी थी, एक सवारी थी, जेंट्स जेंट्स। और उसके बाद? उसके बाद फिर मुझे रास्ते में कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछने लगा, तो मैंने बार बार मना करने पर वो कह रहा पी लो भाई, गर्मी हो रही है। तो फिर ज़्यादा वो करने लगा, तो फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली। अच्छा, कै गिलास कोल्ड ड्रिंक पिया? एक ही गिलास। एक गिलास, हाँ जी। उसके बाद? उसके बाद यहाँ हरोला सेक्टर 5 पहुँच गए, तो यहाँ खाने से सेट पे पहुँचे कि आपके बोले, वो बोला कि यहाँ गाड़ी साइड में लगा लो, यहाँ से साहब आएंगे, फिर वापसी वसुंधरा ही चलते हैं। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर मैं के वो बोला कि यहाँ खड़ी कर लो, उसके बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी, बंद कर ली। उसके बाद कह रहा बैठो, उसके बाद साहब आते फिर चलते हैं, तो इतने बोला आराम कर लो। अच्छा, फिर गाड़ी उसके बाद तुम्हें होश नहीं? मुझे होश नहीं, वो गाड़ी में से उतरा भी नहीं मेरी। अच्छा, तो फिर जब आपको होश आया तो फिर क्या सिचुएशन? मुझे होश आया 8:30 बजे करीब, जब मेरी वाइफ का फोन आया। तो हाँ जी, धीरे धीरे बात कर रहा था मैं, तो ऐसे मुझे कुछ पता नहीं था। उन्हें धीरे धीरे मैं बताया कि लोकेशन भेजी, जब जाके मेरे घर वाले आए तो मैं यहाँ सेक्टर 15 की मेट्रो स्टेशन के थोड़ा सा आगे, 250 मीटर आगे पड़ा हुआ था फुटपाथ पर। अच्छा, तो आपको इस लाइन में गाड़ी चलाते हुए कितने टाइम हो? मैं 2017 से गाड़ी चला। तो भाई जब आप 2017 से चला रहे हो, तो आपको पता नहीं कि किसी का खाना है पीना है? लेकिन उसने मेरे साथ मेरा माइंड घुमा दिया था। अच्छा, मतलब वो तुमसे वो हो गया पर्सनली? हाँ, क्या? अरे भाई, तू तो हाँ, वो सब ये सब मेरे घर का एड्रेस पूछ लिया उसने। तो वो कहने लगा मैं ग्वालियर का हूँ, मैं अच्छा। मैंने बता दिया मैं मध्य प्रदेश का हूँ, जिला छतरपुर का। अच्छा, तो इसलिए वो उसने रैंक हो गया, तो इसलिए फिर कोल्ड ड्रिंक के लिए वो कहने ज़्यादा वो करने लगा कि भाई तुम भी उधर के हो, मैं भी उधर का हूँ, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक भेजी। अच्छा, तो तुम्हारी गाड़ी, अब तुम गाड़ी तुम्हारी चोरी किस तारीख में हुई थी? 29/7 2024। अच्छा, और आज क्या तारीख है? तुम आज 4 तारीख 4 तारीख में मिली? हाँ जी। कहाँ से मिली थी? ये गाड़ी मिली है नोएडा सेक्टर 44 सोम बाजार। अच्छा, पार्किंग में खड़ी हुई थी लावारिस। तो ये सोशल मीडिया की तरह उससे आया आपको फोन? ये सोशल मीडिया से ही फोन आया कि ये तुम्हारी गाड़ी ऐसे ऐसे यहाँ खड़ी है, तो आप आके ले जाओ। तो वो मनोज भाई ने मेरे पास बोले थे। हाँ, वो कह रहे थे, क्योंकि इनके पास नहीं आई थी, उनका नंबर डाला था इनके दोस्त का, जो वीडियो मैंने बना के डाली थी वो उनने अपना नंबर। वो कह रहे कि भाई नंबर नहीं डाला। शोएब भाई, तुम्हारी वीडियो उस बंदे ने देखी है, और देखने के बाद कॉल मिलाई है। कैसे ऐसे, मैं जस्ट देख ही रहा था वीडियो को, और फिर उसकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी, इस गाड़ी पर यह खड़ी, फिर उस बंदे ने उस नंबर पर कॉल मिलाई वीडियो में देख के। तो भाई देखो, सोशल मीडिया आज की डेट में ऐसी ताकत है, किसी को भी ज़मीन से ऊपर, मतलब ज़मीन से आसमान में पहुँचा देगी, और आसमान से ज़मीन में पहुँचा देगी। अब देखो, हर कोई कमेंट में ये बोल रहा था कि भाई एक बार जो गाड़ी चोरी की वो मिलेगी नहीं, ठीक है। और हमने वीडियो डाली है, और देखो तुम्हारे सामने ये राइट में गाड़ी खड़ी है मौजूद। तो भाई देखो, सोशल मीडिया अगर सभी ड्राइवर भाई सही तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे, तो भाई बिल्कुल हेल्प होगी, क्योंकि हमने भी नहीं सोची थी कि हाँ भी गाड़ी मिल जाएगी। अब लोग, अब तुम भाइयों ने, अपनी ड्राइवर भाइयों ने इतना सपोर्ट दिखाया, वीडियो को इतना ग्रुपों में शेयर करा, सब में शेयर करा, और सभी को, मतलब दिमाग में सबके माइंड सेट हो गया कि हाँ भाई इस नंबर की गाड़ी है, कहीं पे भी दिखेगी तो हम कॉल करेंगे। तो आज की डेट में ड्राइवर ही ड्राइवर का सहारा है, कोई प्रशासन तुम्हारे साथ नहीं आएगा, कोई कंपनी तुम्हारे साथ नहीं आएगी। बहुत से भाई कह रहे थे कमेंट में कि भाई अगर ये ओला उबर से लेके जाता तो शायद कुछ हो जाता, या ऑफलाइन ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए। भाई देखो, कस्टमर का किसी का भी ऐसा मुँह पर नहीं लिख रहा कि हाँ ये हमारे साथ फ्रॉड करके जाएगा, ठीक है ना। हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि हम उसे पहचान लेंगे दूर से कि हाँ ये फ्रॉड करेगा नहीं करेगा, समझ रहे हो।
तो भैया वही है अपना जो ना सावधानी बरतो, और अगर तुम ऐसी ऑफलाइन बुकिंग लेके जा रहे हो तो अपनी गूगल लाइव लोकेशन अपने घर वालों को भेज दो के, और मैसेज कर दो, टाइप कर दो कि ऐसे हम जा रहे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं प्राइवेट बुकिंग लेके, या ऑनलाइन भी जा रहे हो तो अगर घर में बीवी बच्चे हैं तो उन पर 24 घंटे की लोकेशन अपनी लाइव भेज दो व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी तुम जाते रहोगे ट्रैक होती रहेगी, ठीक है? अगर ऐसा मैटर है तो भाई अब ये बताओ तुम लोगों को क्या सीख देना चाहते हो? मैं ये सीख देना चाहता हूँ कि कोई भी कितना भी पर्सनल हो, किसी से कोई चीज़ लेके ना खाए आगे के बिल्कुल लिए। सारे ड्राइवरों को मैं यही कहूँगा कि आगे कोई चाहे पर्सनल भी बुक करके जा रहा हो, चाहे वैसे भी कोई हो या वैसे, कोई कुछ ना लेके खाए। मेरे साथ गलती हुई है, मैंने एक वो कर। भाई तो आप भाई इसलिए हम कहते हैं कोई किसी का कुछ ना खाए, अपना लो, अपना खरीदो, अपने से खाओ, किसी भाई के खाने से कुछ नहीं होता है। देखो उस कस्टमर के साथ अगर ये मने कर देते कोई रिश्ता तो जुड़ नहीं जाता, मान लो इनके वहां के मिल गए भी, ठीक रिश्ता तो कोई जोड़ना नहीं, कोई रिश्ता रिश्तेदारी तो जोड़ना नहीं, निभानी नहीं है, इसलिए सीधी आप बात पैसा कहो भैया। कमाते हो हाँ आप बस खुद खाओ, अपने से बस, खाओ, 10 का खाओ, 20 का, 50 का खाओ, अपना जो खाओ, भी अपने खाना है पेट में अपना खाओ, आएगा, लेके खुद अपना खाओ। हाँ तो दो सौ किसी रुपये के कम बच किसी के पे जाएंगे। भरोसा मत करो आज की डेट में। कस्टमर कितना भी कहे, कितना भी प्यार दिखाए, कस्टमर का तो खाना ही नहीं है। प्रसाद हो, कोल्ड ड्रिंक हो, चिप्स हो, कुछ बिल्कुल मिठाई भी हो, समोसे हो, बर्गर हो, कोई भी चीज हो, मोमोस हो, कुछ कस्टमर का कोई भी प्लेट नहीं खानी है। क्योंकि जो फ्रॉड करने वाला बंदा है वो वो तुम्हारे साथ तुरंत फ्रैंक खाएगा, होगा। वो खिलाने वाला तो हाँ खिलाएगा ही, फ्रॉड बंदा वो खिलाएगा। खिलाएगा भाई। तो वही है भैया, अपना खाने पीने पे ध्यान दिया करो, किसी का लेकर तुरंत कह दो भैया या तो व्रत है या हमारा रोजा है, अगर मुसलमान हो तो रोजा बता दो, अगर अपने हिंदू भाई हैं तो के भाई व्रत रख रखा है हमने आज, है ना? और अगर ज्यादा दिंगी नांगी कर रहा तो भाई ये कह दो मालिक ने मना कर रखी है गाड़ी मालिक ने कि कुछ नहीं खाना भाई लेके, चाहे कोई कितना भी अपने घर का सही या बाहर का सही, गाड़ी में कुछ नहीं खाना, सीधा मुंह पे मना कर दो भाई। 1 मिनट 2 मिनट उसे बुरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उधर के चले जाएगा, कोई तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है कि हाँ भाई बाद में भी रिश्तेदारी में तुमसे कहता फिरेगा कि उसने हमारे साथ ऐसा सलूक करा था, है ना? अब देखो ये गाड़ी भाई ने डाउन पेमेंट जमा करके, कितनी डाउन पेमेंट जमा करी? 3,45,000। 3,45,000 डाउन पेमेंट और प्लस 30-40 हज़ार रुपये ऊपर से भी एसेसरीज में लगाई है, ठीक है? और भाई कुछ भाइयों की ऐसी ऐसी कमेंट भी आई थी जिसे देख के भाई दुख हो रहा था, कोई कह रहा था कि भाई इन्होंने क्लेम लेने के लिए ये सब चोरी करने का नाटक कर दिया होगा। तो भाई देखो अगर होता है, मान लो होता है, हमने भी सुना है ऐसा होता है, लेकिन ये नई गाड़ी है, 1 किस्त इसकी गई है और 3,40,000 रुपये जमा करके आए। अगर ये क्लेम लेना भी चाहें तो क्लेम किस पे मिलेगा? एक्स शोरूम प्राइस पे बीमा करती है कंपनी, उसमें से भी कीमत घटा के जब वो उसमें उसमें डालती है अपने उसमें क्लेम में कि यहाँ भी अगर गाड़ी लॉस में जाती है तो इतना मिल सकता है या चोरी होती है इतना मिल सकता है। तो भाई आदमी 1 महीने चलाने के बाद 1 किस्त भरी है, ऊपर से 3,40,000 रुपये जमा करें 45,000 रुपये, तो भाई 4-4.5 लाख रुपये इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ये क्लेम क्यों लेंगे उस चीज़ का, समझ रहे हो? तो हर किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ भाई क्लेम ले रहा है। भाई ज़्यादातर केस जेन्युइन होते हैं चोरी के, और कुछ होते हैं जो भाई क्लेम लेना चाहते हैं कि हाँ भाई किस्त नहीं भरी जा रही तो चलो गाड़ी में आग लगा दी या गाड़ी चुरवा दी, तो वो केस अलग होते हैं, वो पुराने केस होते हैं, पुरानी गाड़ियाँ होती हैं। तो इसमें तो भाई देखो एक महीने चली हुई गाड़ी है, तो भाई जेन्युइन केस था अपना, इसलिए मैंने उस केस पे वीडियो बनाई थी, जिसका आप लोगों की वजह से रेस्पॉन्स आया, मतलब आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, शेयर करी वीडियो, जिसकी वजह से भाई की गाड़ी मिल गई है। सभी ड्राइवरों का साथ था, सभी परेशान हो रहे थे इसी के सारे ग्रुप में आपके वीडियो, तो उन ड्राइवरों भाइयों की बड़ी कृपा से गाड़ियां हमें दोबारा प्राप्त हुई। बिल्कुल भाई। और भाई देखो ड्राइवर ही आज की डेट में ड्राइवर ड्राइवर का सहारा है, तो एक एकता बना के रखो अपने आप को, मतलब ड्राइवर भाई सारे एकता बना के रखो, किसी भाई के साथ कुछ रोड पे भी अगर कुछ जुलम हो रहा है, कोई प्राइवेट गाड़ी वाला या कोई कुछ और सीन हो रहा है, तो भाई रुक कर पूछो कि हाँ भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं, ये नहीं कि भाई चलो अरे लड़ाई हो रही है हम दो, कोई बजा रहा है ड्राइवर हम बजा रहा बजान दो, भाई देखो एकता दिखाओ, क्योंकि आज तुम किसी और की हेल्प करोगे कल तुम्हारी कोई और हेल्प करेगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।